वेतन बढ़ोतरी, अस्थायीकरण को लेकर स्वास्थ्य सहिया है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। प्रदर्शन कर रही सहिया से धनबाद पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं ली कोई सूद, मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात स्वास्थ्य सहिया ने कही। झारखंड के लगभग 42,000 स्वास्थ्य सहिया वेतन बढ़ोतरी, अस्थायीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर 23 जनवरी से हड़ताल पर चली गई है। धनबाद जिला सिविल सर्जन कार्यालय से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सहिया आंदोलन पर बैठी है। धनबाद पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा आंदोलन प्रदर्शन कर रही सहिया की कोई सूद नहीं, जिससे सहियाओं में नाराजगी है। सिविल सर्जन कार्यालय से रणधीर वर्मा चौक डीसी कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च कर अपना विरोध जताया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा स्वास्थ्य सहिया की मांग के प्रति उदासीन रवैया, धनबाद आने पर भी बात करने नहीं आने पर नाराजगी जताई। वहीं आंदोलन कर रही सहिया ने कहा कि अपनी मांग को लेकर 23 जनवरी से सभी हड़ताल पर हैं। जिला का मुख्यालय से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक उन लोगों का विरोध लगातार जारी है। जब तक मांग पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग 42,000 सहिया पूरी झारखंड में, सिर्फ यूनिवर्सल डिमांड हम लोग का यही है कि हम लोग का फिक्स्ड मानदेय किया जाए। जो 2,000 हम लोग को दिया जा रहा है अभी, वो किसी मानदेय के रूप में नहीं दिया जा रहा है, वो कुछ कुछ कार्यों के बदले इंसेंटिव के रूप में 2,000 का पैकेज है, वो कोई मानदेय नहीं है। हमें फिक्स्ड मानदेय चाहिए, हमारा स्थायीकरण किया जाए, हमारे नियमितीकरण किया जाए, ईपीएफ पेंशन ग्रेचुटी जैसा लाभ हमें सही लोग को भी दिया जाए। हम लोग अभी सिविल सर्जन ऑफिस में हम लोग बैठे हुए थे, आधी सहिया हमारी अपने अपने सीएससी में बैठी हुई है और आधी सहिया को हम लोग लेकर के सिविल सर्जन ऑफिस में बैठे हुए हैं। उपायुक्त कार्यालय से घूमते हुए हम लोग अभी रोड मार्च कर रहे हैं। हमें अपने मांगों को लेकर के पब्लिक को भी दिखाना चाहते हैं कि आपके लिए हम कितना कार्यरत कर रहे हैं। आज हमारे बन्ना गुप्ता बड़े भाई यहाँ हमारे धनबाद में आए हुए हैं, फिर भी उन्होंने हमारी कोई सुध नहीं ली है। 23 जनवरी से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग जारी हैं और आगे भी उग्र रूप से जारी रहेंगे, अन्यथा अगर उन्होंने हमारी मांग को नहीं माना।